हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे इतिहास की कुछ ऐसी फेमस बुक्स जो आपको पता होनी चाहिए। ये हर एग्ज़ाम का हिस्सा होती हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मशहूर लेखकों ने लिखी थी और कुछ ऐसी हैं जो मशहूर स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं फेमस बुक स्टैटिक जीके पार्ट वन। और हमारी पेन ड्राइव जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सबके लिए उपलब्ध है। अगर आपको किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इसमें वीडियो कोर्स के रूप में ये उपलब्ध है। सारे लेक्चर्स इसमें रिकॉर्डेड हैं। ये नंबर आपको डायल करना है 9716523859। सबसे पहली किताब है इवान हो को लिखा है सर वॉल्टर स्कॉट ने। जंगल बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, जंगल बुक लिखी है रुडियार्ड किपलिंग ने और जंगल बुक के लिए इन्हें प्रेरणा मिली पंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से। कदम्बरी लिखी है बाण भट्ट ने। किडनैप्ड किताब के रचयिता हैं आर.एल. स्टीवेंसन। किंग लेयर, ये शेक्सपियर की ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट। किंग लेयर शेक्सपियर की जितनी भी किताबें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट एट्सेट्रा। कुमार संभव लिखी है कालिदास जी ने। ये संस्कृत के महान विद्वान थे जो गुप्ता पीरियड के अंदर थे। और इसके अलावा इनकी और भी किताबें कालिदास जी की, जैसे अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत एट्सेट्रा। लास्ट डेज ऑफ पोम्पेली लिखी है बुलवर लिटन ने। लेस मिजरेबल्स, वैसे ये फ्रेंच की किताब है लेकिन इसका इंग्लिश और अनेक भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। ये लिखी है विक्टर हुगो ने, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। लाइफ डिवाइन लिखी है श्री अरबिंदो जी ने। महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। मैन एंड सुपरमैन नाम की किताब लिखी है जी बी शॉ ने। मेघदूत कालिदास ने। मदर नाम की किताब लिखी है मैक्सिम गॉर्की ने। ओडिसी या द ओडिसी ऑफ होमर भी इसे बोलते हैं, ये लिखी है होमर ने। ओलिवर ट्विस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स, चार्ल्स डिकेंस। ओथेलो शेक्सपियर के सबसे पॉपुलर प्लेज में से एक है और बॉलीवुड में इस पर फिल्म भी बन चुकी है। पंचतंत्र, ये जानवरों से रिलेटेड कहानियां हैं इसमें, ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। पैराडाइज लॉस्ट नाम की बहुत फेमस किताब, ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। पिकविक पेपर्स, अगेन चार्ल्स डिकेंस। प्लेग एल्बर्ट कैमस की एक बहुत ही आइकॉनिक किताब है, एल्बर्ट कैमस। द पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रिंसिपिया किताब लिखी है आइसैक न्यूटन ने। रामायण महर्षि वाल्मीकि और महाभारत वेद व्यास। रॉबिन्सन क्रूजो लिखी है डैनियल डिफो ने। शाहनामा लिखी है फिरदौसी। शेप ऑफ थिंग्स टू कम इज रिटन बाय H.G. Wells, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्री मस्केटियर्स अलेक्जेंडर डूमास, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड बुक्स इन एग्जाम, थ्री मस्केटियर्स अलेक्जेंडर डूमास। द टेम्पेस्ट लिखी है शेक्सपियर ने। टॉम सॉयर नाम की बहुचर्चित किताब लिखी है मार्क ट्वेन ने। ट्रेजर आइलैंड लिखी है आर.एल. स्टीवेंसन ने। ओलिसिस नाम की किताब लिखी है जेम्स जॉयस ने। अंकल टॉम्स कैबिन, मिसेज हैरियट स्टोव। वेस्टलैंड, T.S. Eliot, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 1984, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बुक्स ऑफ आवर टाइम, जॉर्ज ऑरवेल। सनी डेज, ये आत्मकथा है सुनील गावस्कर की, सनी डेज। और जो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। फॉस्ट लिखी है गोथे ने। अरेबियन नाइट्स, आपने अलादीन की कहानियां जरूर या धारावाहिक देखा होगा टीवी पर, वो अरेबियन नाइट्स से लिया गया है, सर रिचर्ड बर्टन। द सिटी ऑफ जॉय इज अ बुक बाय डोमिनिक लपियर, द सिटी ऑफ जॉय। द वन डे वंडर्स नाम की किताब लिखी है सुनील गावस्कर ने। सिलास मार्नर इज रिटन बाय जॉर्ज एलियट। बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखी है आर के नारायण, जिन्होंने मालगुडी डेज नाम की किताब भी लिखी है। चाइना पैसेज है जॉन कैनेथ गैलब्रेथ की। असुटेबल बॉय, विक्रम सेठ, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं असुटेबल बॉय। अ वॉइस फॉर फ्रीडम लिखी है नयनतारा सहगल ने।
अ वीक विद गांधी इज अ बुक रिटन बाय लुइस फिशर. अ वुमेन्स लाइफ इज रिटन बाय गाय द मोपासाओ, गाय द मोपासाओ. एज ऑफ रीजन इज रिटन बाय जॉन पॉल सार्त्र. एशियन ड्रामा नाम की किताब लिखी है गुनार माइड्राल, गुनार माइड्राल. द बबल इज रिटन बाय मल्क राज आनंद. बैनहर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर पिक्चर भी बनी है, लुइस वॉलेस. द कासल लिखी है फ्रांस कालका ने. चंद्रलिका लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने. द क्लास इज रिटन बाय एरिक बायरन. द क्लाउन लिखी है हिनरिच बॉल ने. कॉमेडी ऑफ एरर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आपको दो किताब याद रखनी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल. तो दास कैपिटल भी एक आप याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी से ये नज़र आ जाए. ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में. कार्ल मार्क्स, जो कम्युनिज्म का कंसेप्ट जिन्होंने दिया था, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. द बुक कन्फेशंस लिखी है जॉन जाक रूजू ने, ये फ्रेंच की किताब है. द कोर्ट डांसर लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने. डेथ ऑफ अ सिटी इज रिटन बाय अमृता प्रीतम. डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इज रिटन बाय एडवर्ड गिबो. डेथ एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर. एसेज ऑफ गीता श्री अरबिंदो घोष. फ्रेंच रेवोल्यूशन इज रिटन बाय थॉमस करेल. गणा देवता इज रिटन बाय ताराशंकर बंदोपाध्याय. ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू. एग्जाम में दो बुक्स आती हैं बहुत ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई, एक ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरी मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा. द गॉडफादर इज रिटन बाय मारियो पुजो, सुपर इंपॉर्टेंट. गॉडफादर पे मूवीज भी बनी है, तीन पार्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, मारियो पुजो. ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इज रिटन बाय हैरोल्ड लेस्की. गाइड इज अ बुक विच इज रिटन बाय आर के नारायण, द सेम ऑथर हु रोट मालगुडी डेज. हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इज रिटन बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन. हंगरी स्टोन्स इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. जुरैसिक पार्क, यू नो बाय नाउ जुरैसिक पार्क, इट इज रिटन बाय माइकल क्रैक्टन. किडनैप्ड इज रिटन बाय रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन. रिचर्ड निक्सन द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, एक्स प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, रोट लीडर्स. महात्मा गांधी रोट रोमन रोलैंड. महात्मा गांधी इज नेम ऑफ द बुक एक्चुअली, एंड रोमन रोलैंड इज नेम ऑफ द ऑथर, सो डोंट कन्फ्यूज द टू. महात्मा गांधी ही डिड नॉट राइट, ही इज द नेम ऑफ द बुक हेयर. द मास्टर्स इज रिटन बाय सीपी स्नो. माई ट्रुथ इट इज रिटन बाय इंदिरा गांधी. ओल्ड मैन एंड द सी इज रिटन बाय एंस्ट हेमिंगवे. द अदर साइड ऑफ मिडनाइट सिडनी शेल्डन. शेप ऑफ थिंग्स टू कम इज रिटन बाय एच जी वेल्स. Sons and Lovers लिखी है डी एच लॉरेंस ने. वैली ऑफ डॉल्स इज रिटन बाय जैकलिन सुजैन. वेल्थ ऑफ नेशंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इन इकोनॉमिक्स रिटन बाय एडम स्मिथ. ये एग्जाम में इकोनॉमिक्स में भी पूछते हैं, एडम स्मिथ. सो ये था पहला भाग, फेमस किताबें जो इतिहास में ली गई हैं. टोटल आपको 150 किताबें याद रखनी है. इस वीडियो में लगभग 70 किताबें मैं बता चुका हूँ. भाग दो इसका बहुत जल्द लेकर आऊँगा. अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे बताइए एक ऐसी किताब जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है, कोई भी एक किताब कमेंट्स में लिख के बताइए जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.